ईद का चांद दिखने के बाद आज शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में भी ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी ईदगाह में हजारों लोग इकट्ठा हुए और खुदा के सजदे में अपना सर झुकाया। कल रमजान के आखिरी रोजे के बाद चांद दिखते ही रात में ईद होने का ऐलान कर दिया गया था। शाहजहांपुर की बड़ी ईदगाह में नमाज का वक्त सुबह 8 बजे मुकर्रर किया गया था। सुबह से बच्चे बूढ़े और जवान खुशियों के साथ ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। जिले स्तर पर भी सभी ईदगाहों पर सभी SDMs और EO ने सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली है। ईद के मौके पर मैं सभी लोगों को बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ और एक अपील भी करना चाहता हूँ कि हम लोग पॉलीथीन का यूज़ अब पूरी तरीके से बंद करें। जैसा आज भी हमने देखा है कि इस पूरे ईद के कार्यक्रम में कई बाज़ारों पर लोग अभी भी पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा पावन दिन है कि जिसमें हम लोग एक अपील कर रहे हैं और लोगों से ये भी चाह रहे हैं कि इसका पूरी तरीके से इस बैन का पालन कराएं, क्योंकि अब इसमें हम लोग अपने स्तर से भी बहुत कड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे।